हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री के प्रश्न अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसको सरल बनाने के लिए हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित रखता है। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास दो प्रकार से है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित हुई तो क्या कुछ नियम लेकर आई थी, एक्ट लेकर आई थी, देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट द्वितीय 1893 में। चार्टर एक्ट तृतीय 1833 में। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है चार्टर एक्ट फोर्थ 1853 में। फिर से देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1833 में। और चार्टर एक्ट फोर्थ 1853 में। ये सीरीज रही है, आप देख सकते हैं, 6 सीरीज है ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब बारी आई जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, भारत शासन अधिनियम 1858। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम फर्स्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम सेकंड 1892, भारत परिषद अधिनियम तृतीय 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम सेकंड 1935। 1935 काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर से देख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1861, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1892, भारत प्रसिद्ध अधिनियम तृतीय 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरह के ये जो एक्ट बने थे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फिर भी याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। इसी तरह के टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।